बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंथ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 8 और 9 को वाइंड अप करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको याद है, लास्ट टाइम हमने 6 और 7 क्वेश्चंस को वाइंड अप किया था, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चंस हैं, ये एक ही टाइप के हैं। तो स्टूडेंट्स, 8 और 9 क्वेश्चंस में अब वो जो टाइप हमने यूज़ की थी 6 और 7 क्वेश्चंस में, ठीक है, बिल्कुल वही टाइप इन क्वेश्चंस में यूज़ होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, इसमें इसको हमने लेट करना है y के इक्वल, लेट 4x+1 ओवर 4x-1 इज इक्वल टू y। तो ये स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल है, 4x-1 ओवर 4x+1। स्टूडेंट्स, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर y। अब स्टूडेंट्स, इसकी जगह ये y पुट करना है और इसकी जगह ये 1 ओवर y, सो y+1/y इज इक्वल टू, और इसकी जगह स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 to the 12, 12+1, 13/6। अब स्टूडेंट्स यहाँ एलसीएम ले लेंगे, y² + 1 इज इक्वल टू 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 × y² + 1 इज इक्वल टू 13 × y। 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 6y² + 6 इज इक्वल टू 13y। इसको वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 6y² + 6 - 13y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इस पर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स इसको अरेंज कर लेते हैं, 6y² ये पहले राइट करेंगे -13y, और इसको बाद में कांस्टेंट टर्म को, +6 = 0। नाउ 6 × 6 = 36, स्टूडेंट्स 2 के टेबल में आता है, 2 × 18 = 36, 3 के टेबल में आता है, 3 × 12 = 36, 4 के टेबल में आता है, 4 × 9 = 36, 6 × 6 = 36 एंड 9 × 4 = 36। 6y² 13 की जगह स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आएगी, बाकी एज इट इज आ जाएगा, y+6 = 0। अब स्टूडेंट्स इनमें से वो टेबल चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये 13 आए। स्टूडेंट्स जब आप इसको चेक करेंगे तो फाइनली इसको आप देखेंगे, इनकी इनकी एडिशन से 13 आता है, 9+4 = 13। अब y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6y² - 9y - 4y+6 = 0। यहाँ से स्टूडेंट्स 3y कॉमन आ जाएगा, 2y - 3 लेफ्ट, यहाँ से स्टूडेंट्स -2 कॉमन आ जाएगा, 2y - 3 = 0। अब स्टूडेंट्स ये 2y - 3 कॉमन आ जाएगा, 2y - 3 कॉमन, 3y - 2 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग पुट करेंगे, 2y - 3 = 0, 3y - 2 = 0। यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो y = 3/2, और यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स y की जगह ये 4x+1/4x-1 को पुट करते हैं, 4x+1/4x-1 इज इक्वल टू दिस वन 3/2, और इस y की जगह भी 4x+1/4x-1 इज इक्वल टू
2/3। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसको वाइंड अप करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सो 2 × 4x + 1 इज इक्वल टू 3 × 4x - 1। और यहाँ भी स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 × 4x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4x - 1। अब स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करके तो x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो 4 × 8x + 2 इज इक्वल टू 12x - 3। इन दोनों को राइट साइड पे ले आएंगे, यहाँ 0 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 12x - 3 - 8x - 2, 0 इज इक्वल टू 4x - 5। इसको सीधा करके राइट कर लेते हैं, 4x - 5 इज इक्वल टू 0, 4x = 5, सो x = 5/4। और यहाँ भी स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 3 को इनसे मल्टीप्लाई करना है, 12x + 3 इज इक्वल टू 8x - 2। इन दोनों को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 12x + 3 - 8x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x + 5 इज इक्वल टू 0, 4x = -5, सो x = -5/4। सो आवर आंसर सॉल्यूशन सेट इज -5/4 and 5/4। गॉट इट स्टूडेंट्स? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी स्टूडेंट्स इसको हमने लेट करना है y, लेट x - a / x + a इज इक्वल टू y। तो ऑब्वियसली ये आप जानते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो डेफिनेटली ये इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। अब स्टूडेंट्स इसकी जगह ये y पुट करते हैं और इसकी जगह ये 1/y, सो y - 1/y इज इक्वल टू 7/12। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स यहाँ एलसीएम आ जाएगा y, सो y² - 1 इज इक्वल टू 7/12। यहाँ स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 12 × y² - 1, 7 × y, 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 12y² - 12 इज इक्वल टू 7y, 7y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 12y² - 12 - 7y इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, 12y² - 7y - 12 इज इक्वल टू 0। यू नाउ स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इस पर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, सो 12 = 144। यू नाउ स्टूडेंट्स 144 कौन कौन से टेबल में आता है, 144 2 के टेबल में आता है, 272 = 144, 3 के टेबल में आता है, 348 = 144, 436 = 144, 624 = 144, 12 = 144, and 16 9 = 144। Students, ये as it is आ जाएगा, 12y² 7 की जगह ये ब्रैकेट आएगी और बाकी एज इट इज़ y - 12 = 0। अब स्टूडेंट्स यू नाउ इनमें से वो टेबल चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये y का कोएफिशिएंट 7 आए। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं 16 और 9 ही इसमें एक वाहिद टेबल है जिसको माइनस करने से ये 7 आता है। 16 में से स्टूडेंट्स यू नाउ माइनस करें 9 को तो 7 आएगा,
ये हमारे लिए सूटेबल है, बाकी जो होंगे आप चेक कर लीजिएगा, बाकी इनमें से कोई भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से कोई ऐसा टेबल नहीं होगा कि जिसको प्लस या माइनस करने से ये 7 आए, ये 16 का टेबल ही यहाँ ये सूटेबल है जिसको माइनस करने से ये 7 आ रहा है। सो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यू नो 12y² माइनस 16y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स 4y कॉमन आ जाएगा, 4 3 12y माइनस 4 4 16, और यहाँ से स्टूडेंट्स 3 कॉमन आ जाएगा, 3 3 9y माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 3y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 4 कॉमन एंड 4y प्लस 3 लेफ्ट, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल पुट करना है, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस सॉरी 4 आइए, ठीक है, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 3y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से स्टूडेंट्स 4y इज इक्वल टू माइनस 3, सो y इज इक्वल टू -3/4। अब स्टूडेंट्स यू नाउ y की जगह ये पुट करना है x माइनस a और x प्लस a, इन दोनों y's की जगह, y की जगह x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। यहाँ स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 × x - a इज इक्वल टू 4 × x + a। यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 3x - 3a इज इक्वल टू 4x + 4a, और इन दोनों को स्टूडेंट्स यहाँ राइट साइड पे ले आएंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0 रह जाएगा, 4x + 4a माइनस 3x + 3a, 0 इज इक्वल टू 4x - 3x + 7a। इसको स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले इसको हम कर लेते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स यू नो y की जगह ये पुट करना है x - a ओवर x + a इज इक्वल टू दिस वन -3/4। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × x - a इज इक्वल टू -3 × x + a, 4x - 4a इज इक्वल टू -3x - 3a। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 4x - 4a + 3x + 3a इज इक्वल टू 0। नाउ 7x - a इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको पहले राइट कर लेते हैं, x + 7a को, और इसको बाद में 0 को, और यहाँ से स्टूडेंट्स 7x और -a जो है राइट साइड पे आके पॉजिटिव a में चेंज हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? और यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू -7a आ चुकी है, और यहाँ से x की वैल्यू a/7। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज -7a and a/7। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।